हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भैया, सारा शरीर छत विछत हो गया है, कितने गहरे घाव हैं। युद्ध में लगे हुए घाव तो वीरों का अलंकार होते हैं लक्ष्मण। भैया, मैं सब कुछ जानता हूं, कितनी पीड़ा सह रहे हैं आप। अरे, अब पीड़ा कहां, तेरे हाथ के स्पर्श में माता का ममत्व और भाई का स्नेह, सब कुछ एक साथ मिल गया है। जैसे औषधि उपचार से नहीं, तेरे प्यार ने सारी पीड़ा हर ली है। तूने मेरी नस नस में नया उत्साह, नई उमंग भर दी है। देख लेना, कल तेरा राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि युद्ध के इतिहास में वो अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है, इस सब बखाने की जड़ मैं हूं भैया। यदि मैं माता सीता की उस क्षणिक कटुता से आवेश में आकर भाभी को छोड़कर अकेला नहीं जाता, तो हमारे इस शांतिपूर्ण वनवास में एक घोर लंका कांड नहीं लिखा जाता। लक्ष्मण, अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो? तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला, उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्यव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। अब यदि हम केवल वन विहार करके अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में जीवन यापन करने वाले और लोक कल्याण में जीवन समर्पित करने वाले ऋषियों और मुनियों का त्रास कैसे मिटता? गुरुदेव वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिला दिव्य आयुध ज्ञान और महात्मा अगस्त को दिया हुआ वचन सब व्यर्थ हो जाता। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। भैया, आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसकी पूर्णता तुमसे है लक्ष्मण। अब जाओ, कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो, कल का युद्ध बहुत भीषण होने की संभावना है।